subscribe to my channel Zaika Kanpuri and also press the bell icon. You will never miss out my upcoming videos. Assalamu alaikum friends, मैं सुमैया and welcome to Zaika Kanpuri. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीरमाल की रेसिपी, जो हम विदाउट ओवन बनाएंगे और एक शीरमाल ओवन में भी आपको बनाकर बताएंगे. तो चलिए चीज़ें हम देख लेते हैं शीरमाल के लिए. देखिए यहाँ पर मैंने ऑल पर्पज़ फ्लार लिया है, यानी कि मैदा. ये मैंने 250 ग्राम लिया है. कप्स में देखें तो ये मैंने 2.5 कप लिया है. शुगर पाउडर मैंने लिया है, ये 3 टेबल स्पून ले लिया है हमने. आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो बेशक ऐड कर दीजिए ज़्यादा. मिल्क पाउडर मैंने लिया है, ये 3 टेबल स्पून ले लिया है हमने. शुगर और मिल्क पाउडर का रेशियो हमें मैदे के हिसाब से निकालना है, कि जैसे हमने मैदा लिया है 250 ग्राम, तो जो शुगर और मिल्क पाउडर है वो हमें 2.5 चम्मच इस्तेमाल करना है. लेकिन यहाँ पर मैंने 0.5 चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है. एक अदद हमें अंडा लेना है. घी हमने 5 टेबल स्पून लिया है, ये होममेड देसी घी है. आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है. यहाँ पर मैंने हैवी क्रीम ले लिया है, ये घर की है, होममेड बनी है, 3 टेबल स्पून है ये. यहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट्स ले लिए हैं, आप भी बिस्किट ज़रूर यूज़ कीजिएगा. बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बिस्किट आपके चॉकलेट फ्लेवर ना हो या फिर क्रीम बिस्किट ना हो. मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं. आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिए, वरना स्किप कीजिए. बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पर चुटकी भर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ये जो शीरमाल है बिना ईस्ट के बना रहे हैं, घर पर पड़े सामान से बना रहे हैं. हमें किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास ईस्ट नहीं है तो अब हम बाहर जाकर लेकर आएँ. जो पड़ा है उससे बना लीजिए, फ़ौरन बन जाता है शीरमाल. सिर्फ आपको टाइम अगर लगेगा तो सिर्फ इसका जो फॉर्मेंट होता है, हमें 2 घंटे रेस्ट पे रखना पड़ता है, उसमें ही टाइम लगेगा. बाकी इसका जो प्रिपरेशन होता है बहुत जल्दी रेडी हो जाता है. बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ले लिया है. सॉल्ट मैंने यहाँ पर लिया है, ये 1 टीस्पून हमने यूज़ किया है. यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, केवड़ा वाटर लिया है. ऑरेंज फूड कलर हमने 1/2 टीस्पून लिया है, केवड़ा वाटर मैंने 1 टीस्पून लिया है. सॉल्ट हम यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिस्किट है हमारे पास, बिस्किट्स में हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं और इसका एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं, और पाउडर को हम छान करके इस्तेमाल करेंगे. ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने काजू बादाम और बिस्किट का पाउडर अच्छे से बनाकर इसे छान लिया है. अब हम शीरमाल बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम मैदा ऐड कर देते हैं, डो बना लेते हैं. इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं, शुगर पाउडर ऐड कर देते हैं, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर तैयार किया था उसे भी ऐड कर देते हैं. इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा आप, होटल्स वगैरह में ऐड होता है. सॉल्ट ऐड कर देते हैं, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देते हैं, बेकिंग सोडा भी ऐड कर देते हैं. अब देखिए ये एग भी हम इसमें ऐड कर देते हैं. एग ऐड करने के बाद हम अपना जो क्रीम था वो ऐड कर रहे हैं. देसी घी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं. मिल्क हमने 1 कप लिया है, मिल्क हमने 1 ग्लास लिया है, लेकिन हम इस पर थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इसमें डो बनने में कितना लग जाएगा. अपने हिसाब से मिक्स करते जाएंगे. थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देंगे, बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें शीरमाल के लिए. थोड़ा मिल्क और ऐड कर रहे हैं, इसमें शीरमाल जैसी खुशबू बिल्कुल आने लगी है. और आप पानी मत ऐड कीजिएगा, दूध से इसका डो तैयार कीजिएगा. देखिए फ्रेंड्स, ये जो डो है हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हम घी या फिर तेल हाथों पर अप्लाई करेंगे और फिर डो तैयार करेंगे. इससे हमारे हाथों पर ज़्यादा स्टिक नहीं होगा हमारा जो मैदे का डो है. ये देखिए फ्रेंड्स आप, ये हमारा डो जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है. इस पर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं, ताकि जो या इसका डो है हमारे शीरमाल का, ये सख्त ना हो पाए. इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं और इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे. और अगर मौसम ठंडा है तो आप 4 घंटे के लिए इसे ढक के रख दीजिए. देखिए फ्रेंड, 2 घंटे हो चुके हैं. ये आटा देखिए अच्छे से 2 घंटे में रेस्ट करने के लिए रखा था, सेट हो गया अच्छे से. ये देखिए डो जो है हमने एक बड़े से चकले पर निकाल लिया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से आटे को चिकना कर लेते हैं. और इसमें खूब पंच लगाएंगे, इतने पंच लगाएंगे कि इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिलीज़ हो जाए. देखिए
देखिए जो डो है वो अच्छे से स्मूथ तो हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स हमें इतने ही बड़े बनाने हैं ताकि बड़े बॉल हों, ताकि मोटे मोटे शिरमाल के लिए हमें बेलना रहेगा, तो फिर शिरमाल मोटे ही अच्छे लगते हैं और मोटे रहेंगे तो सही रहेगा, पतले रहेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। हमें क्रिस्पी नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। 250 ग्राम मैदे में 9 शिरमाल हमने लोई बना ली है, 9 शिरमाल भी रेडी करेंगे हम। देखिए बॉल्स भी एकदम स्मूथ बनाने हैं, बिल्कुल लखनवी शिरमाल बनाएंगे हम आज। देखिए लोई को फ्लैट कर लिया हमने, इसी इस तरह से कर करके हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ऑयल अप्लाई करते रहना है। देखिए रोलिंग पिन से हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको मोटा मोटा हमने अच्छे से बेल लिया है। फ्रेंड्स हम आपसे एक बात बताना भूल गए थे कि जो हमने इसमें मिल्क ऐड किया था वो गुनगुना मिल्क ऐड किया था, ठंडा नहीं था। आप ठंडा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ठंडे से क्या होता है जो शिरमाल होता है वो क्रिस्पी हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है। आपको कभी भी कुछ सॉफ्ट डो तैयार करना है तो आपको गर्म पानी या फिर गर्म मिल्क ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर केवड़ा वाटर है और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे फोक करेंगे। ये देखिए शिरमाल हमारा फूलना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से फोक कर लेंगे। फ्रेंड्स जो होटल वगैरह में शिरमाल बनते हैं वहाँ पे कंघी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लोग नई कंघी इस्तेमाल करते हैं, पुरानी कंघी नहीं इस्तेमाल करते हैं। मगर हम लोग घर में इसको फोक कर लेते हैं, ये काटा यूज़ कर लेते हैं। देखिए इसको हमने फोक कर लिया है और जो इसका मिक्स था कलर और केवड़े का, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। ये वाला शिरमाल जो है ये हम पैन में बनाएंगे। ध्यान रहे पैन नॉनस्टिक रहना चाहिए, तवा भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नॉनस्टिक रहना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है अपने गैस स्टोव पर, लो है हमारा गैस स्टोव। अब इसमें हम शिरमाल रख देते हैं पैन के ऊपर। ये देखिए शिरमाल को मैंने रख दिया है, इसे हम 5 से 6 मिनट स्लो आंच पर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए शिरमाल को हम फोक करते जाएंगे वरना ये फूल जाएगा, इसको बिल्कुल भी फूलना नहीं चाहिए। देखिए इसको अब हम टर्न कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जो है उसको भी मैंने बेल लिया। देखिए कलर लग गया, मेरे हाथों में था कलर, एक्चुअली इसलिए लग गया इसमें। इसको फोक कर लेते हैं वापस से हम। फोक करने के बाद फिर से कलर अप्लाई कर लेंगे शिरमाल के ऊपर। ये वाला शिरमाल जो है ये हम ओवन में बनाएंगे। इसे मैंने 5 मिनट प्रीहीट करने पे रखा था ओवन। देखिए कलर अच्छे से लग गया है, अब मैं इसको ओवन की ट्रे पे रख देती हूँ। देखिए बेकिंग ट्रे को मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसे मैं 200 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। देखिए अपना शिरमाल हमने इस ट्रे पे प्लेस कर दिया है, अब इसे डालती हूँ ओवन के अंदर। देखिए ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, देखिए इतनी तेज़ी से हीट हो रहा है। देखिए अब शिरमाल को सेट करते हैं ट्रे को अपनी ओवन के अंदर। देखिए सेट हो गया। अब इसका ट्रे जो है वो हमने सेंटर में फिट किया है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सेंटर में। ओवन को करते हैं क्लोज। ये देखें फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, शिरमाल को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए शिरमाल आगे से तो अच्छे से बन गया है, पीछे से भी चेक कर लेते हैं कितना अच्छे से बन गया है। इसे वायर रैक पे रख देते हैं हम। देखिए इसको उलट कर भी देख लिया है, अच्छे से सिक रहा है ये, और इधर से भी 6 मिनट पूरे हो गए हैं और हमारा शिरमाल भी रेडी है। देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है, जैसे ओवन में हमने रेडी किया है वैसे ही इस पर भी रेडी हुआ है। देखिए काफ़ी लोगों का कहना है कि ओवन में ही अच्छा बनेगा, गैस स्टोव पे अच्छा नहीं बनेगा, पैन में अच्छा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, आप मन से बनाइए, ज़रूर अच्छा बनेगा इंशाल्लाह।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा गैस स्टोव वाला है, इसको पैन में रखने में साइज़ थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में हो गया है, और ये ओवन में रखा था इसलिए साइज़ इसका वैसा ही है, लेकिन बना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखिए पीछे से ये भी अच्छे से सीख चुका है और ये भी अच्छे से सीख चुका है। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियोस हमारी लाइक भी कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।